लखनऊ कमिश्नरेट के डीसीपी पूर्वी हृदेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर किया बड़ा खुलासा। थाना पीजीआई पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके पास से अपराध करने के लिए एक अदद चाकू भी हुआ बरामद, जिसे घटना को दिया था अंजाम। गिरफ्तार अभियुक्त आयुष सिंह ऑटो चालक रामवरण को बुककर सेक्टर 16 की तरफ से ले गया था। वृंदावन क्षेत्र में कई जगह पर घुमाया तो ऑटो चालक ने कहा, साहब उतर जाएं और मेरा किराया दे दो। तभी अभियुक्त आयुष सिंह ने उग्र होकर चाकू से ऑटो चालक की गर्दन पर करे कई बार वार करने के पश्चात अभियुक्त आयुष मौके से हो गया था। वही पीजीआई पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर किया गिरफ्तार। अगस्त की रात्रि में एक ऑटो चालक अपने ऑटो में गंभीर रूप से घायल अवस्था में थाना पीजीआई को मिला था। सूचना प्राप्त होने पर थाना पीजीआई की पुलिस द्वारा उसको रेस्क्यू किया गया और तत्काल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहाँ पर उसके जीवन की रक्षा की जा सकी। उसके होश में आने पर उसके परिजनों ने जानकारी करने के उपरांत थाना पीजीआई पर मुकदमा पंजीकृत कराया तथा पुलिस ने उन सूचनाओं के आधार पर पतारसी सुरागरसी की और घटना में घटना कारित करने वाले अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त हथियार सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। घटना का मोटिव मात्र इतना है कि जो अपराधी है वो नशे का आदी है और आवारा टाइप का व्यक्ति है। रात्रि में इसने टेम्पो को एंगेज किया और उसको अनावश्यक रूप से इधर उधर घुमाता रहा वृंदावन योजना में। जब टेम्पो चालक ने इससे कहा कि भैया कहाँ जाना है बता दो, तो वहाँ पे आपको छोड़ दे, आप इधर से उधर हमें लगातार घुमा रहे हैं, उसको लगा कि शायद ये पैसे भी नहीं दे पाएगा, तो इसने चाकू से उसका गला रेत दिया और घटनास्थल से भाग गया। आज इसको गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई और इसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। नहीं, इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त का नाम आयुष सिंह, पुत्र नमो नारायण सिंह, निवासी पंचम खेड़ा मधुबन विहार कॉलोनी थाना पीजीआई जनपद। नहीं, ऐसा नहीं।